फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने पोको C61 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आपके मोबाइल फोन की टॉक बैक सेटिंग को अपना डिसेबल कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके फोन में टॉक बैक सेटिंग जो है वो चालू हो जाती है तो इससे क्या होता है, हमारा फोन जो है नॉर्मल तरीके से काम नहीं करता है और हमारे मोबाइल फोन के सिस्टम में से साउंड की आवाज आने लगती है। तो देखिए, कभी भी अगर टॉक बैक सेटिंग जो चालू होती है तो उसे बंद करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको अपने फोन को कंट्रोल कैसे करना है। देखिए, जब भी टॉकबैक सेटिंग चालू हो जाती है ना, तो हमारा फोन नॉर्मल तरीके से काम नहीं करता है, ठीक है। तो आपको देखिए फोन को कंट्रोल कैसे करना है। देखिए, फोन की स्क्रीन को अगर आपको ऊपर नीचे आगे पीछे करना है तो किसी भी हाथ की दो उंगलियों का एक साथ यूज करना है स्क्रीन पे, ऐसे, तब जाके आपकी स्क्रीन आगे पीछे ऊपर नीचे काम करेगी, ठीक है। और देखिए, अगर आपको कोई सा भी ऑप्शन अगर ओपन या क्लोज करना है ना, तो पहले उस ऑप्शन पे एक सिंगल टैप करना है, फिर उसी ऑप्शन पे आपको डबल टैप करना है, तब जाके वो ऑप्शन आपका ओपन या क्लोज होगा, जो भी आप उसे करना चाहते हैं। ये दो तरीकों से आप पूरे फोन को कंट्रोल कर पाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ टॉकबैक सेटिंग को डिसेबल कैसे करना है। इसके लिए आपको मोबाइल फोन का ना सेटिंग का पेज ओपन कर लेना है। तो ये जो सेटिंग का ऐप है, सेटिंग के ऐप को एक सिंगल टैप करना है। अब इसके ऊपर सेटिंग के ऐप पे डबल टैप करना है, तो आपका ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। देखिए, मैं वही प्रोसेस दोहरा रहा हूँ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे, ठीक है। अब देखिए, इस पेज में आपको नीचे की तरफ जाना है, तो दो उंगलियों की मदद से पेज को ऊपर करना है ऐसे, तो आपको नीचे की साइड ना ये ऑप्शन मिल जाता है एडिशनल सेटिंग। एडिशनल सेटिंग पे टैप करना है। अब इसके ऊपर डबल टैप करना है, तो आपका ये पेज आएगा एडिशनल सेटिंग का। इसमें आपको नीचे की साइड एक्सेसिबिलिटी पे टैप करना है। अब इसके ऊपर डबल टैप करना है, तो आपका ये वाला एक्सेसिबिलिटी का पेज आता है। इसमें देखिए ऊपर की साइड ना, ये जनरल के साइड में विजन का ये ऑप्शन है, विजन पे टैप करना है। अब विजन के ऊपर डबल टैप करना है, तो आपका ये वाला पेज आएगा। इस पेज में आपको ना ये टॉकबैक पे टैप करना है। अब इसके ऊपर डबल टैप करना है, तो आपका टॉकबैक का पेज आता है। इसमें देखिए आपका नीचे ना यूज टॉकबैक के सामने बटन चालू है, तो इस बटन को बंद करना है। कैसे, देखिए इस बटन पे एक सिंगल टैप कीजिए। अब इस बटन पे डबल टैप करना है, आपका नीचे पेज ओपन होता है छोटा सा। इसमें आपको नीचे स्टॉप का ये बटन सिंगल टैप करना है। अब इसके ऊपर स्टॉप पे डबल टैप करना है, तो आपका टॉकबैक के सामने वाला बटन ये बंद हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी टॉकबैक सेटिंग जो है डिसेबल हो जाती है, और देखिए हमारा फोन जो नॉर्मल तरीके से काम करने लगता है और सिंगल टैप में ही ओपन हो रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों, कभी भी अगर आपके फोन में टॉकबैक सेटिंग अगर चालू हो जाती है ना, तो इस तरीके से आप उसे ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि डिसेबल कर सकते हैं।